तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिंगयो शुजियाओ के पास जाता है और उसे अपनी वो 40,000 स्पिरिट स्टोन से खरीदी हुई खास बोतल दे देता है और बताता है कि ये उसकी मदद करने के बदले है। लेकिन इसके बाद शुजियाओ ने वो बोतल वहीं फेंक दी थी और कहा था कि ये सब चीजें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। सभी स्टूडेंट शॉक थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली डेसिपल 40,000 स्पिरिट स्टोन की खास बोतल खरीद कर कैसे ला सकता है। पहले तो उन्हें लगता है कि लिंगयो ने शायद ये पैसे चुराए होंगे, पर फिर वो लिंगयो से ही पूछते लगते हैं कि तुम्हारे पास इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए। मगर यहाँ उन्हें इग्नोर करते हुए लिंगयो शुजियाओ से पूछता है कि आखिर आपको ये क्यों नहीं चाहिए। अब इस पर शुजियाओ उसे कहने के बजाय वहाँ से चली जाती है। अब लिंगयो उसके पीछे जाने लगा था, तभी शुजियाओ का साथी लिंगयो को रोकता है, मगर लिंगयो उसे जोरदार पंच मारता है और कहता है मेरे रास्ते में फिर कभी मत आना। और इसके बाद अब वो बाहर जाता है, मगर उसे कहीं पर भी शुजियाओ नहीं दिख रही थी। अब वो आसपास देखता है पर वहाँ कोई नहीं था जिससे वो कुछ पूछ सके। मगर तभी उसे जमीन पर कुछ ब्लड पड़ा हुआ दिखता है, जब उसे समझ नहीं आता कि ये ब्लड यहाँ पर क्या कर रहा है। अब इसके बाद वो घर लौट आता है। यहाँ पर वो सोच रहा था कि मैंने उन्हें इतने प्यार से गिफ्ट दिया लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। आखिर इसका कारण क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच कुछ हुआ हो जो मैं भूल रहा हूँ? लेकिन अब जब वो ये सोच रहा था तभी वहाँ पर जुआन आता है और उससे कहता है कि ब्रदर तुम कैसे हो, मैंने आज के इंसिडेंट के बारे में स्टूडेंट से सुना। अब इसके बाद लिंगयो जुआन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है मैं इतने दिन बेहोश था तो इतने दिन तुमने ही मेरा ख्याल रखा था। मगर इस पर जुआन कहता है कि नहीं भाई, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा बल्कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि तुम 7 दिन तक बेहोश थे और उन 7 दिनों तक शुजियाओ तुम्हारा ख्याल रख रही थी। वैसे मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर सच तो यही है कि वो बिना सोए यही तुम्हारा ख्याल रखते रही थी और उन्हीं की कोई मेडिसिन थी जिसकी वजह से तुम्हारी पावर इतने वक्त से सोते रहने के बाद भी कम नहीं की जगह बढ़ती ही रही। वैसे ये चीज तो तुमने भी नोटिस की होगी ना। अब लिंगयो इस बात से बहुत ज्यादा शौक होता है और अब वो तुरंत ही शुजियाओ को ढूंढने के लिए वहां से भाग जाता है। अब वहां हॉल में पहुंचने के बाद वहां शुजियाओ को आवाज लगाता है लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अब लिंगयो अपने आसपास देखता है तो उसे दो स्टूडेंट बात करते हुए दिखते हैं। उन दोनों में से एक कह रहा था कि सिस्टर शुजियाओ को इस तरह यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। अब ये चीज लिंगयो भी सुनता है और उसके पास आता है और पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। इस पर वो दोनों बताते हैं कि सिस्टर शुजियाओ ने सेक्ट छोड़ दिया है, हालांकि उन्हें अभी तक पक्का नहीं है लेकिन यही खबर हर तरफ फैली हुई है। वैसे उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में इस तरह की खबर फैलना हमारे सेक्ट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अब यहाँ लिंगयो इस चीज का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। उसे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि शायद उसके बिहेवियर के कारण ही शुजियाओ यहाँ से चली गई है। इसके बाद वो और भी कई जगह देखने के लिए जाता है और पूरे दिन सिटी में घूमता रहता है, मगर अंत में शुजियाओ को कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। अब वो घर वापस आता है, बहुत थक चुका था और रात भी हो चुकी थी। और अब जब वो गेट खोलता है तभी उस पर एक लड़की अटैक कर देती है। अब लड़की के चेहरे पर मास्क था और किसी को भी उसे पहचान पाना नामुमकिन था। मगर आप तो जानते हैं कि हम इतनी सारी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए ला चुके हैं, ये अब 4-5 एपिसोड आगे की कहानी बताना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस कारण से हम आपको बता देते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि शुजियाओ है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ये बात पहले आप भी समझ गए होंगे। तो अब इनमें लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। वैसे तो हमने सुना है कि शुजियाओ बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो लिंगयो उसे बहुत अच्छी तरह से टक्कर दे रहा था। वो उसके हर अटैक को रोक रहा था और उस पर खुद अटैक कर रहा था, साथ ही वो उसके हर अटैक को नोटिस भी कर रहा था और उसे भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था। लेकिन जब शुजियाओ थोड़ा सीरियसली अटैक करती है उसी वक्त उसके चेहरे पर से मास्क हट जाता है, जिस वजह से अब वो भी अपना अटैक बीच में रोक देती है और लिंगयो भी रुक जाता है। इसके बाद लिंगयो उसकी तरफ आगे बढ़ता है लेकिन तभी शुजियाओ उसे रोक देती है और कहती है कि आगे मत बढ़ो, मैंने तुम्हारी देखभाल की थी और अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, इसलिए अब हमारा मिलना बस यही तक था, अब तुम्हें मुझे भूलना होगा। और उसके बाद वहाँ से जाने लगती है, मगर लिंगयो उसे जाना नहीं देना चाहता था। वो फिर से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इस बार शुजियाओ उस पर सीरियसली अटैक कर देती है और इसकी वजह से लिंगयो बेहोश हो चुका था। और असल में उसने उसे बेहोश करने के लिए ही ऐसा अटैक किया था, क्योंकि इसके बाद वो लिंगयो के हाथ पर एक खास सील बांध देती है जिसकी वजह से लिंगयो को अब ये 7 दिन में क्या हुआ वो याद नहीं रहने वाला था। मेरा मतलब क्या है वो अभी हम आगे देख लेंगे, मगर शुजियाओ ने तो यही सोचा था। और अब इसके बाद फिर वहाँ से चली जाती है और वो कहते हुए जाती है कि यही हम दोनों के लिए सही रहेगा। अब इसके बाद वो सीधे ही ओल्ड मैन के पास आ गई थी। वैसे अगर आप भूल गए हो तो बता दो कि ये वही ओल्ड मैन है जो कि लिंगयो का ख्याल रखते थे।
अब यहाँ वो ओल्ड मैन पूछते हैं कि क्या हुआ, आज अचानक से तुम यहाँ रास्ता कैसे भूल गई। इस पर शुजियाओ कहती है कि मैं कुछ ही देर के लिए आई हूँ, मुझे आपको ये स्पिरिट एनर्जी इंक्रीजिंग बोतल देनी थी क्योंकि आज तक आपने मेरी बहुत हेल्प की है। अब ओल्ड मैन कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है रख दो। और फिर इसके बाद पहले तो शुजियाओ जाने लगती है, लेकिन फिर वो रुकती है और कहकर जाती है कि अब वो फिर यहाँ कभी नहीं आएगी। इस पर ओल्ड मैन कहते हैं कि कमाल है, फिर लिंग उनका क्या होगा। तो शुजियाओ कहती है कि कुछ नहीं, मैंने उसके साथ सब चीजें खत्म कर दी है और अब वो मुझे याद नहीं रखेगा, इसीलिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इस पर ओल्ड मैन कहते हैं कि चलो ये भी ठीक है। अब वो वहाँ से चली जाती है, मगर फिर उसके जाने के बाद ओल्ड मैन खुद से ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि सच में आजकल की जनरेशन भी कमाल है, ये यहाँ से चली तो गई और कहकर गई है कि अब उनके बीच कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए ये बोतल छोड़कर गई है। आखिर मुझ जैसे बूढ़े आदमी को ये बोतल क्या काम आएगी। इसके बाद अब हम वापस से रिंग उनके पास आ जाते हैं, जिसे होश आ चुका था और वो अभी अपने मस्त बिस्तर पर सो रहा था। अब वो खड़े होता है और खुद से ही कहता है कि मैं शुजियाओ से पूछ ही नहीं पाया कि आखिर वो वहाँ क्या कर रही थी और वो कल पूरे दिन कहाँ थी। अब वैसे तो शुजियाओ ने वो खास सिर उसे सब बुलाने के लिए लगाई थी, लेकिन लिंगुन इससे कुछ भी नहीं भूला था। मगर अभी लिंगुन को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई ऐसी बात है जो उनके साथ हुई थी, मगर उसे वो याद नहीं है। वैसे ये चीज अभी की नहीं है, ये बहुत टाइम पहले की बात है। और साथ ही मुझे भी वो सीर इतनी मामूली तो नहीं लग रही थी कि शुजियाओ उसे बनाए और वो काम ना करे। अब अगर उसे ये सब जानना था कि उनके बीच क्या हुआ था, तो इसके लिए उसे शुजियाओ से आराम से बैठकर बात करनी होगी, लेकिन शुजियाओ तो उससे बात करेगी नहीं। वो फिर से उसी तरह से बेहोश उसे कर देगी और वहाँ से चली जाएगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था लेकिन उनका स्ट्रांग बनना। तो अब वो तुरंत ही बाहर जाता है और अभी उसमें एक आग थी, मोटिवेशन की आग। अब वो प्रैक्टिस करना चालू कर देता है और स्पिरिट फ्लावर टेक्निक का यूज कर रहा था। बेसिकली ये टेक्निक एनर्जी ऑरा पर काम करती है और हम देखते हैं कि ये बहुत पावरफुल थी। लिंगुन बहुत दूर दूर का ऑरा अपनी स्वर में अब्सॉर्ब कर पा रहा था, जिसकी पावर को संभाल पाना उसके लिए पहले थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन कुछ ही देर की प्रैक्टिस के बाद से वो उसे भी कंट्रोल कर लेता है और इसकी वजह से वो इतना पावरफुल अटैक कर पा रहा था जिससे धरती हिलने लगी थी। ये देखकर लिंगुन भी बहुत शॉक था। फिर वो कल्टीवेट करने बैठ जाता है और उस टेक्निक को महसूस करता है। अब उसे वो टेक्निक आ चुकी थी और वो भी ये जानता था कि ये टेक्निक बहुत ही काम की है और बहुत ही पावरफुल है। वो कहता है कि 7 दिनों तक तुमने मेरा ख्याल रखा और मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि फेमस होने के बाद अगर तुम किसी भी लड़की के साथ इस तरह से उसका ख्याल रखोगे तो तुम्हारे बारे में लोग गलत बातें करेंगे, मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए तुम्हारा एहसान मुझ पर और ज्यादा बढ़ने लगा है। अब उसे उतारने के लिए उनके कोई रास्ता ढूंढना था। वैसे इसके बाद अब वो घर में आ चुका था, जहाँ पर उसका दोस्त जुआन आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए किसी को लाया हूँ। अब वो देखता है वो और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर थे। अब वो यंग मास्टर को हेलो कहता है, फिर यंग मास्टर उससे कहते हैं कि मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, मुझे तुम्हें कुछ देना है। अब लिंगुन पूछता है कि क्या देना है, तो उस पर यंग मास्टर कहते हैं कि अब तुम आउटर डेसिबल से इनर डेसिबल बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें खास तलवार देना चाहता हूँ। ये एक एशियन ट्रेजर है। वैसे तो हर डेसिपल को ऐसी तलवार नहीं दी जाती है, सबको अलग चीजें दी जाती है, लेकिन ये तुम्हारे ही नसीब में थी, इसलिए इसे रख लो और जितनी हो सके उतनी मेहनत करना। अब वो वहाँ से जाने लगे थे तभी वो कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हें एक और चीज के बारे में भी बताने के लिए आया था। दरअसल अगले महीने सभी लोग कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं और तुम भी अब इनर डेसिपल बन चुके हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं कि तुम्हें भी वहाँ पर जाना होगा, अगर तुम चाहो तो ही। बिस्पलिंगुन कहता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यंग मास्टर कहते हैं कि तो ठीक है, तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जुआन कह रहा था कि ब्रदर ये तलवार तो बहुत मस्त लग रही है और साथ ही बहुत पावरफुल भी लग रही है, अब तो तुम्हें अपने बॉक्स में उस लकड़ी की तलवार को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद लिंगुन उस तलवार को अपने म्यान में से निकालता है और उसे देखने लगता है। उसके पास एक खास एशियन एनर्जी फैली हुई थी, लेकिन अचानक से वो तलवार टूटकर नीचे गिर जाती है। वैसे ऐसा पहले भी हो चुका है, मगर तब लिंगुन ने इस चीज पर खास गौर नहीं किया था, क्योंकि वो सारी तलवार तो जंग लगी हुई थी और पुरानी भी थी। लेकिन अब ये तलवार पुरानी तो है लेकिन कमजोर नहीं है, बल्कि इसे तो यंग मास्टर लाए थे और हर बार इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। अब लिंगुन इस चीज को नोटिस कर कहता है कि ये पहली बार नहीं है, ये चौथी या पांचवी बार है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। वैसे अभी जुआन भी शौक था और कह रहा था कि ब्रदर ये क्या हुआ। अब लिंगुन सोच रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, जब मैं पहले तलवार ठीक करता था तब तो मेरे हाथ से किसी की तलवार नहीं टूटी, फिर अचानक से सभी तलवारों को क्या होने लगा है। अब इस चीज का पता वो शायद अगले पार्ट में लगाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।